नाउ आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, अगर कोई अपनी मोटरसाइकिल की केयर करता है तो वो इस टाइप के कुछ चेन क्लीनर ज़रूर यूज़ करता होगा। एक्चुअली मेरे पास मोट्यूल का C1 ग्रेड का चेन क्लीनर था, इसमें C2 C3 भी आते हैं, तो मैंने C1 लिया था। एंड आज मैंने रियलाइज़ किया कि ये ख़त्म हो गया और मुझे अपनी बाइक की चेन साफ़ करनी थी। एंड आज एक तो सैटरडे संडे हमारे यहाँ लॉकडाउन रहता है तो हम इसको ला भी नहीं सकते, और मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि इस टाइप के चेन क्लीनर थोड़े से महंगे पड़ते हैं कंपैरेटिवली अगर हम कुछ दूसरे बेस ट्राई करते हैं। तो ये छोटा सा है, ऑलमोस्ट कितने 150 ml का है और ये 200 रुपये के आसपास आता, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है अनलेस अगर आप कोई हाई एंड बाइक यूज़ करते हैं। मेरे केस में तो मैं एक छोटी बाइक यूज़ करता हूँ, तो मैं आज एक दूसरा तरीका आपको बताऊँगा कि आप सस्ते में यानी 40 रुपये के आसपास अपनी पूरी चेन साफ़ कर सकते हैं अच्छे से और फिर उसे ल्यूब भी कर सकते हैं। ल्यूब के लिए मैं TVS का चेन क्लीनर यूज़ करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो। आज मैंने शुरू में ये चीज़ बोल दी, चलिए करते हैं शुरू। और इसको बाय बाय कहने का टाइम आ गया क्योंकि अब से मैं इसको शायद ही यूज़ करूँ क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ता है यार ये। चलते हैं, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो हमारा वही मॉड्यूल का चेन क्लीनर है जो कि ख़त्म हो गया, तो उसको बाय कहते हैं। मेरे पास है ये TVS का चेन ल्यूब जो कि ठीक ठाक है और सी सेगमेंट की बाइक्स के लिए काम आ जाता है, तो ठीक है, अच्छा है। और ये जो है हमारे पास, ये कोई मतलब प्रोटेक्टेंट स्प्रे नहीं है, एक्चुअली में क्या है ये खाली बॉटल है, तो अंदर स्प्रे करने के लिए मतलब ये चेन पर हमें यूँ स्प्रे करने के लिए कुछ चाहिए, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। आप वो कॉलिन वाली बॉटल का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो खाली हो, उसमें मतलब कॉलिन का कोई रेसिड्यू ना हो, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड द मेन इंग्रेडिएंट इज़ डीजल। जी हाँ, चेन ल्यूब के मुकाबले मैं डीजल यूज़ करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, एक्चुअली काफ़ी सस्ता पड़ता है। ये मैं कुछ 40 रुपये का लेकर के आया हूँ, समवेयर अराउंड हाफ ए लीटर्स, तो ये सस्ता पड़ता है। एंड हाँ, वो तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये महंगा है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स अलग हैं जैसे, और ये थोड़ा सा रस्ट वगैरह नहीं होगा, रस्ट तो इससे भी नहीं आएगा, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुछ दूसरी चीज़ें ना यूज़ करें, जैसे कि आपको थिनर नहीं यूज़ करना है, पेट्रोल नहीं यूज़ करना है, एंड केरोसिन आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में मैं डीजल यूज़ करूँगी, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है डीजल, एंड ये सब काम आ जाता है डीजल में, तो आप डीजल यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप केरोसिन भी यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप थिनर पेट्रोल यूज़ ना करें कि वो जो आपके चेन का जो आयरन है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप उसे यूज़ ना करें। और हम सस्ती मस्ती में पूरा विश्वास रखते हैं, तो आज हम इसे ट्राई करने वाले हैं एंड शुरू करते हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कितनी बारी चीज़ बोलेंगे यार, शुरू करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने घर के अंदर ही सब काम कर रहे हैं, मतलब बाहर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि पेपर ज़रूर बिछा लें बाइक के नीचे, वरना इससे जो काला काला वो रेसिड्यू निकलेगा, चेन की जो गंदगी निकलेगी वो पूरा गंदा कर देगी। एक बार मैंने ट्राई किया था, तो ये सब मार्क्स आप देख सकते हो उसी के हैं। और घर पे फिर मतलब अगर गंदा हो जाए तो फिर घर पे लातों घूसों पड़ सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि पेपर वगैरह लगा के करें, नहीं तो आप बाहर भी कर सकते हैं, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, यही है। चलिए बाइक को डबल स्टैंड पर लगाते हैं, मेन स्टैंड पर, और फिर शुरू करते हैं। और एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब कामों के लिए, वो है, और वो चीज़ है टूथब्रश, या वही टूथब्रश जिससे हम सुबह दांत साफ करते हैं और शाम को फिर चेन भी साफ़ कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। टूथब्रश से क्या होगा कि जो गंदगी है उसको हम रगड़ रगड़ के निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे ये काम आता है। एक्चुअली कुछ स्पेशलाइज्ड टूल भी आते हैं चेन साफ़ करने के लिए, वो कुछ ऐसा टाइप का ब्रश होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको करना है, लेकिन मेरे पास ये है तो हम इसी से काम चलाएंगे। जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी, और थोड़ा शोर आ रहा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी क्योंकि बाइक थोड़ी सी लाउड आवाज़ करती है। मैंने इसमें डीजल भर लिया है और मुझे यहाँ पे स्प्रे करना है, तो कुछ इस तरीके से आप स्प्रे करेंगे ताकि जो डीजल है वो चेन में अच्छे से चला जाए। और ये जो स्पॉकेट है आप इस पर भी स्प्रे कर दीजिए क्योंकि स्पॉकेट में भी काफ़ी सारी गंदगी होती है, तो ये करता हूँ मैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ।
अभी जो है मैंने डीजल इसमें काफ़ी अच्छे से डाल दिया और पूरे अच्छे से इसको लुब्रिकेट कर दिया है, और आप अभी भी देख सकते हो कि थोड़ा बहुत रेसिड्यू बिना ब्रश लगाए ही नीचे मतलब गिरने लगा है। तो अभी ब्रश इसमें लगाते हैं और ब्रश से पूरा साफ़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रश को आपको इसके बीच में यूज़ करना है कुछ इस तरीके से, और साइड में, एंड मेक श्योर कि जब आप टायर को रोटेट करो तो आपका ब्रश इसके दांतों के बीच में ना आ जाए, वरना फिर ब्रश ख़त्म हो जाएगा। तो ये करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो अभी देखो चेन जो है वो मैंने साफ कर दी है, और इतनी गंदी थी चेन, ये देखो मतलब पूरा पेपर ब्लैक हो चुका है, और इसको मैं उंगली से छू के नहीं दिखा सकता, ये इतना थिक है, मतलब कितने दिनों का रेसिड्यूअल था ये, जो कि अभी भी देखो चू रहा धीरे धीरे। तो चेन देखो एकदम साफ हो चुकी है, मतलब अंदर का जो मेटल है वो एकदम शाइनी तरीके से दिख रहा है। अब लूब मैं इसको करूँगा, लूब के लिए मैं यही अपना TVS का चेन लूब यूज़ करने वाला हूँ। लूब इसको अभी नहीं करेंगे, अभी दोपहर हो रही है तो शाम तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पूरा डीजल जो है वो इवेपोरेट हो जाए, और फिर इसको ल्यूब करेंगे। तो शाम को मिलते हैं जब इसको ल्यूब करना होगा। तो भैया देखते ही देखते शाम हो चुकी है, और हम शाम की जो है चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि चेन कैसी है, तो फ़िलहाल चेन काफ़ी साफ़ हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो ये पहले काफ़ी ब्लैक थी और कुछ ऐसी दिखती है हमारी चेन। एंड अभी हम करेंगे क्या, इसमें एक बार इसको कपड़े से और साफ़ कर देंगे ताकि जो थोड़ा मोड़ा जो भी रह गया है वो भी साफ़ हो जाए, और ये थोड़ा सा ये डीजल की वजह से आप देख सकते हो टायर भी साफ़ हो गया है। तो इसका कलर और इसका कलर काफ़ी अलग आपको दिख रहा होगा। चाय पी लेते हैं और फिर इसे साफ़ करते हैं, एंड देन ये है हमारे पास चेन वाला लूप, तो इसे लूप करेंगे। एंड प्लीज़ मेक श्योर अगर आप चेन क्लीन करने के बाद लूप करें तो आपको इसके सेंटर में तो लूप करना है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि लूप भी एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा तो भी वो आपके ओर्स को नुकसान पहुंचा सकता है, एंड फिर उसमें धूल भी ज़्यादा चिपकेगी। मोर और लेस आपको ज़्यादा करना है तो इन एरियाज़ पर लूप करना है, वो भी अभी मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो इन पर भी करें, अंदर बीच में भी, लेकिन इतना ज़्यादा ना कर दें, वो आपको छूने से आइडिया लग जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो चेन को ल्यूब करने से पहले एक कोई सा भी आप इस तरीके सा गंदा सा कपड़ा ले लीजिए, एंड मेक श्योर कि आप इसको चेन को ऐसे होल्ड करें एंड फिर टायर को रोटेट करें इस तरीके से। तो इससे होगा क्या कि डीजल लगाने के बाद भी जो रेसिड्यू रह जाता है थोड़ा बहुत, जो कि ऑब्वियसली रह ही जाएगा, हर जगह पर डीजल उतनी अच्छे से नहीं जा पाता है, इसको करने से वो सब भी आपकी बाइक का एकदम कपड़े में आ जाएगा। एंड जैसा कि आप ये देख सकते हो कि ये अगर आपको दिख रहा हो, तो ये चीज़ की मैं बात कर रहा था। थोड़ी देर और इसे ऐसे करते हैं एंड फिर इसमें हम ल्यूब मारेंगे। एक चीज़ जो मुझे इस TVS के ल्यूब्रिक चेन ल्यूब की चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि ये काफ़ी एक तो बजट प्राइस में आता है, एंड इसमें हमको ये एक तरीके का एक नोज़ल मिलता है। तो ये नोज़ल जो है ये कुछ इस तरीके से आप इसमें फिट कर सकते हो, और बाकी भी चेन ल्यूब्स अच्छे आते हैं लेकिन उनमें ये नोज़ल नहीं होता, तो इससे स्प्रे क्या होता है फैलने लगता है, लेकिन इससे आप एक टारगेट जगह पे ही डाल सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, ये पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आपको लेना है, तो देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, मैं पहले भी इसे यूज़ करता था, यानी ये मॉड्यूल का चेन क्लीनर है, लेकिन इट वॉज़ गुड, मतलब ये उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन आज मैंने डीजल से साफ़ किया तो आप देख सकते हो कि चीज़ें साफ़ अच्छे से हुई हैं। तो आई डोंट थिंक कि इतना पैसा लगाना उसी चीज़ के लिए सही होगा, क्योंकि काफ़ी छोटा सा आता है और 200 रुपये के आसपास आता है, एंड वैसे ही काम हमें डीज़ल भी करके दे रहा है। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इन्हें तब यूज़ करें जब आप थोड़ी हाई एंड बाइक्स चला रहे हैं, तो ऐसी मतलब सी सेगमेंट की बाइक्स के लिए आप डीजल या केरोसिन आराम से यूज़ कर सकते हो। चलिए ल्यूब शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप चेन ल्यूब करें तो आपको बाइक स्टार्ट करके गियर में नहीं डालनी है, हाथों से ही आप डालें ताकि फैले ना इधर उधर। तो इधर बीच में मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो हाँ, मतलब पहले हम थोड़ा सा बीच में डालेंगे इस ल्यूब को, और ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालने से क्या होगा कि फिर वो चिपकने लगेगा। पहले आप ऐसे ही डालें, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड ना रहे ताकि वो ल्यूब उड़ने लगेगा, तो हम मैनुअली थोड़ा सा इसको ऐसे डालते हैं।
दिखने में तो ये ल्यूब थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये जब इसका जो फोम है यानी कि जो गैस इसमें से उड़ जाती है तब ये ऑयली हो जाता है। तो बीच में हमने डाल दिया है और ज़्यादा नहीं डाला है, बस मैं थोड़ा सा हाथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो कुछ इस इतना ही करना है। देखिए ज़्यादा नहीं हुआ है ये, तो इसी तरीके से आपको डालना है। एंड थोड़ा थोड़ा आप पॉकेट्स वगैरह पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि पॉकेट पे भी गंदगी आ जाती है, तो पॉकेट वगैरह पे भी डाल सकते हैं। अब करना क्या है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं या मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, ये इन जगहों पर ल्यूब डालना है। इसके लिए बाइक को हम स्टार्ट कर लेंगे और पहले गियर पर डाल के छोड़ देंगे। मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा लेकिन उससे थोड़ी सी ईज ऑफ डूइंग हो जाती है वो सब चीज़ों करने में, तो वो कर लेते हैं। फाइनली हमारी चेन का जो लूप है वो कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा सा स्लाइटली जूम करके मैं अगर आपको दिखाऊं, फोकस हाँ ले लिया, तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल्ड है चेन, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि धूल वगैरह इसमें चिपके। तो उंगली से लगा के आप देख सकते हैं, तो कुछ इतना हिस्सा ही ऑयल है, ज़्यादा नहीं है। तो यही चीज़ करनी थी, अब कर चुके हैं, अब इसको एक टेस्ट राइड लेके आते हैं। तो फाइनली लूप हो गई है, चेन क्लीन भी हो गई और एकदम चकाचक अब साफ दिख रही है। और एक छोटी सी राइड भी लेके आ गए हैं, मतलब ये अपने घर के सामने ही ऐसे ऐसे कर लिया और काफ़ी मक्खन चल रही है बाइक। एंड चेन से जो पहले थोड़ी बहुत आवाज़ आती थी और जो रफनेस लगती थी चेन में, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब आपकी बाइक या आपका जो स्कूटर या कुछ भी आप जो ओन करते हो वो जब एकदम स्मूथली चलता है ना, तो बड़ा सेटिस्फैक्शन फील होता है। वो चीज़ हो चुकी है यहाँ पर बिल्कुल टिप टॉप, और गाड़ी जा रही है तो उसको बाय। एंड वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, और कोई सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, वरना इंस्टाग्राम पे मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, यहाँ पर आईडी आ रही होगी। टिल देन काफ़ी लेट वीडियो आई है, मतलब वीडियोस मेरे मैं फ्रीक्वेंट नहीं रहता हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जब भी आएगी तो वीडियो अच्छी आएगी मेरी तरफ से। एंड प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और दोस्तों की वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। कोविड कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है तो अपने घरों पर रहिए एंड स्टे सेफ, बाय।